हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम ट्रेंड किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्दियों का मौसम आ गया है और अब ये गाजर मिलना ही स्टार्ट हो गई हैं। इसका भी एक सीजन होता है, एक सीजन में ही ये मिलती हैं, तो वो टाइम आ चुका है और हम बनाएंगे इससे ये गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट होता है और खाने में सबको ही बहुत पसंद आता है। इसे तो बच्चे ही बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात है, बिना घी बिना मावा के ये बनकर रेडी होगा और टेस्ट वही आएगा जो कि मार्केट से आता है, उससे बल्कि और भी ज़्यादा अच्छा। तो ये डिज़र्ट आपको घर में सबको बहुत पसंद आएगा और सब आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। एक बार आप इस विधि से ज़रूर बनाकर देखिए और फिर अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि घर में सबको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें आधा किलो गाजर लिया है और ये देखिए इस तरीके से इनको पहले अच्छे से वॉश किया है, फिर नाइफ़ की हेल्प से मैंने इस तरीके से हल्का हल्का इस तरह छील लिया है, तो जिससे क्या होगा ऊपर का जो थोड़ा डर्टी पार्ट है वो निकल जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, बस इसी तरीके से करके आप साफ़ कर लीजिए इसको। और देखिए ग्रेटर का जो मीडियम साइज़ वाला है इससे हम इसको ग्रेट कर लेंगे, तो इस तरीके से हम इसको ग्रेट करेंगे। ये देखिए सभी गाजर हमने अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब एक पैन को गैस पर रख देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा पैन लें, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसको इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें हम दूध भी डालेंगे। इसमें एक ग्लास दूध डाल देंगे, तो ये दूध बॉयल्ड दूध है जो कि रूम टेम्परेचर पर है, और इसको इसी तरीके से हल्का सा मिक्स कर दें। गैस का फ्लो हम मीडियम रख कर इसको ढक कर हम पकाएंगे इससे इसके, एक बार इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको ढक दें और इसको हम पका लेंगे। आधा घंटा हो गया है और मैंने इसको बीच में 3 से 4 बार और खोलकर इस तरह से चलाया था, क्योंकि मुझे ये होता है पक गया है कि नहीं पक गया, तो इसलिए बीच बीच में चलाकर एक बार देख लें। और देखिए इसका दूध भी बिल्कुल कम हो गया है और ये पक गया है। इस तरह से आप दबा कर देखेंगे तो गाजर देखिए मैश हो रही है। इस स्टेज में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 1 कप इसमें शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने मिठास के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि कोई गाजर थोड़ा सा ज़्यादा मीठी होती है कोई कम होती है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार मीठा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें और जैसे जैसे शुगर मेल्ट होगी वैसे वैसे इसमें पानी और छोड़ देगी गाजर, क्योंकि ये थोड़ा सा जब शुगर मेल्ट होती है तो पानी पानी सा हो जाएगा। तो बस जैसे ही शुगर मेल्ट होती है हम इसको ढक देंगे और फिर शुगर के साथ में ये पकेगा और बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स हलवा बनकर रेडी होता है बहुत ही कम समय में। समय इसमें ज़्यादा लगता है लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुरंत एक ही जो पैन है उसमें ही रेडी हो जाएगा। इसको ढक दिया मैंने, अब 5 मिनट हो गया है। देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और गाजर अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसी में कुछ ड्राई फ्रूट्स हम मिक्स करेंगे। इसमें काजू है, किशमिश है और बादाम, मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। किशमिश वैसे ही है और जो हम घर में जो दूध आता है उससे मैंने ये मलाई निकाली है, ये फ्रेश मलाई है। 4 चम्मच हम मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें घी डालने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और इसमें हमें बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, घर के ही सभी सामान से ये बनकर रेडी हो जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसको इस तरह से एक बार बनाकर देखिएगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये गाजर तो पूरा पक गया है, अच्छे से हलवा ही बन गया है। बस जो अब हमने मलाई डाली है वो इसके साथ में मिक्स हो जानी चाहिए। तो बस गैस का फ्लेम हाई रखिए और मीडियम रखिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप हाई टू मीडियम कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है मलाई डालने के बाद। आप जब इसको खाएंगे ना तो ये ज़रूर आपको लगेगा कि इसमें मावा पड़ा हुआ है, बट मावा हम लोग नहीं डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1/2 स्पून ये मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। 3-4 इलायची आप अच्छे से छील कर कूट लीजिए और बस उसका ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और इस तरीके से मिक्स कर दीजिए, देखिए ये ड्राई होने लगा है। और जिस भी थिकनेस में आपको चाहिए हो, गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, हल्का सा जब जूस होता है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
देखिए कितना अच्छा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना जैसे कि हम लोगों ने मार्केट से ही लिया है। बादाम, किशमिश थोड़ी सी डाल देंगे, थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छा हलवा और बहुत ही जल्दी रेडी हो गया। सबसे अच्छी बात है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते हैं ना लोग कि गाजर का हलवा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।